पूरे प्यार भावना और श्रद्धा के साथ बोलो धन गुरु नानक। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के प्यार में बोलो जी धन गुरु नानक। उच्ची सुच्ची आत्मा महान साधु महापुरुष संत भगत बोधा राम जी के प्यार में बोलो धन गुरु नानक। एक बार फिर ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरीके से प्यार में भिज के एक बार फिर बोलो धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दीन दर्द दुख भंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ सतगुरु आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सत गुर नानक जिन कल राखी मेरी सो प्यारी सत्संग जी और संगत में इतना प्यार है जब तक फ्लाइट में थे हवा में उड़ रहे थे ख्याल कुछ और थे वो ख्याल भी हवा में ही उड़ रहे थे जब धरती पे आ गए अहमदाबाद आ गए और फिर ऐसे गुरमुख प्यारों के घर में आ गए जहाँ पर दिन रात प्यार निम्रता और नितनेम की बारिश होती है फिर ख्याल बदल गए। पहले ख्याल ये था कि दास यहाँ पे कीर्तन करने यहाँ पे कीर्तन आपको सुनाने आ रहा है आपके प्यार के सामने हमारी क्या मजाल के आपको कीर्तन सुनाएं। कीर्तन सुनाने नहीं आए आपके साथ कीर्तन करने आए हैं। सात संगत बोलो जी धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक बोलो कि मेरी बैटरी चार्ज होगी आपको जी धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो कीर्तन सुनाना मतलब ये है कि चार गीत सुनाए गुस्ताखी माफ चार गीत सुनाए और चल दिए वो स्टेज परफॉर्मेंस हो गई कि भाई कलाकार आया गाने सुनाएगा वो शब्द और गीत फिर एक ही बात हो जाती है। पर कीर्तन करना मतलब गुरु नानक के चरणों में हाजिरी लगाना है फिर तो चाहे बेसुरा है वो भी गाए फिर तो सतगुरु आयो शरण तुहारी राग तोड़ी में लिखा है फिर तो राग तोड़ी आता है तो भी गाएंगे नहीं आता है तो भी गाएंगे समय लगेगा तो राग तोड़ी में भी आपको सुनाएंगे बहुत सिंपल करके कि वो भी गा सके जिसको सिर्फ ढोलकियों पे परवात फेरियों में सिर्फ गा सकता है वो भी उसको गा सके। कोशिश रहेगी कि इस तरीके से उस राग को गाएं क्योंकि प्यार के साथ थोड़ी सी मैं ये नहीं कहता 100% 100% थोड़ी सी मर्यादा शामिल हो जाए
तो और प्यार को चार चांद लगते हैं, क्योंकि गुरु साहब ने 31 रागों में बाणी रची है। सहज पाठ जो आप करते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने पंडित रविशंकर या उस्तादों की तरह गाना है, पर वो राग कम से कम इतना आता हो कि पता हो राग तोड़ी क्या होता है, रामकली क्या होता है। हम कहते तो हैं रामकली महल्ला तीजा नंद क्योंकार सदगुरु प्रसाद, रामकली पता ही नहीं। तो फिलहाल तो गुरु साहब सिर पे हाथ रख के इस वक्त सेवा ले रहे हैं। गुरु अमरदास जी का ये पावन पवित्र शब्द है और सबने सुना है, बहुते फेर पए कृपन को अब किछ कृपा कीजिए। पता नहीं कौन कौन सी जोनियों में भटक के हम आए हैं, और ये मनुखा जन्म जो हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, ये तेरी बंदगी प्राप्त करने के लिए हुआ है। पर बंदगी कोई कर कब सकता है, जिसनों तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। जब उसकी मेहर होती है, उसकी नदर होती है, उसकी बख्शिश होती है, तभी कोई बंदगी कर सकता है, कोई सिमरन कर सकता है, कोई कीर्तन कर सकता है, उसकी नज़र के बगैर नहीं। आओ आज हम सब ने धन गुरु नानक सच्चे पातशाह की रहमत की नदर मांगनी है, और क्या कहना है, आओ जी करो कृपा। बहुते फेर पए कृपन को, बहुते फेर पए कृपन को अब किछ कृपा कीजे। बहुते फेर भय कृपन को, बहुते फेर पए कृपन को अब किछ कृपा की जय। करो कृपा जी। बहुते फेर पए कृपन को, बहुते फेर पए कृपन किछ कृपा। बहुते फेर पए कृपन को अब किछ कृपा की जय। बहुते फेर पए कृपन को अब अब किछ कृपा कीजे। अब किछ कृपा कीजे। अब किछ कृपा कीजे। अब किछ कृपा कीजे। बहुते फेर पए कृपन को अब किछ कृपा की जय। करो कृपा जी। पए कृपन को कृपा की जय। तन गुरु नानक तन बाबा नानक, 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 तन गुरु नानक तन गुरु 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 नानक। तन गुरु नानक तन बाबा नानक, तन गुरु नानक तन बाबा नानक, तन गुरु नानक। बहुते फेर
पाए किरपन को अब किछ कृपा की जय बहुते फेर पाए किरपन को अब किछ कृपा की जय हम पिकक पे खारी तेरे तू निज पत है दाता तू निज पत है दाता हो दयाल नाम दे हो मंगत जन को हो दयाल नाम दे हो मंगत जन को सदा रहो रंग राता सदा रहो रंग राता हम पिखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता तू निज पत है दाता हो दयाल नाम दे हो मंगत जन को हो दयाल नाम दे हो मंगत जन को सदा रहो रंग सदा रहो रंग राता अब किछ कृपा की जय किछ कृपा की जय अब किछ कृपा की जय अब किछ कृपा की जय बहुते फेरे पै किरपन को अब किछ कृपा की जय सारी संगत बहुते फेरे पै किरपन को अब किछ कृपा की जय बहुते फेरे पै किरपन को अब किछ कृपा की जय जपो सारे फेर पै किरपन को अब किछ कृपा की जय अब किछ कृपा की जय की जय किछ कृपा की जय अब किछ कृपा की जय की जय की जय अब किछ कृपा की जय बहुते फेरे पै किरपन को अब किछ कृपा की जय 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 वाहेगुरु जी अब किछ कृपा की जय अब किछ कृपा की जय सतगुरु जी अब किछ कृपा की जय अब किछ कृपा की जय
अब किछ कृपा कीजे हाँ, अब किछ कृपा कीजे, बहुते फेरे पै कृपन को, अब किछ कृपा कीजे। सारी संगत बलहारे जाओ साचे तेरे नाम विटो, साचे तेरे नाम विटो, करन करन सब ना काए को, करन करन सब ना काए को, अवर न दूजा बलहारे जाओ साचे तेरे नाम विटो, साचे तेरे करण करण सब ना काए को, अवर न दूजा किछ कृपा कीजे हाँ, अब किछ कृपा कीजे, बहुते फेरे पै कृपन को, अब किछ कृपा कीजे, करो कृपा तेरे पै कृपन को, अब किछ कृपा कीजे, सारी संगते अब किछ कृपा कीजे, 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 सतगुरु जी अब किछ कृपा कीजे, अब किछ कृपा कीजे, अब किछ कृपा कीजे कीजे, अब किछ कृपा कीजे, बहुते तेरे पै कृपन को, अब किछ कृपा कीजे, सारी संगत बहुते फेर पै कृपन को, अब किछ कृपा कीजे,
बहुत फेर पए किरपन को अब किछ कृपा कीजे, अब किछ कृपा कीजे। बहुत फेर पए किरपन को अब किछ कृपा कीजे, किछ कृपा कीजे। हो दयाल दर्शन देओ अपना ऐसी बख्श करीजे, ऐसी बख्श करीजे। बहुत फेर पए किरपन को अब किछ कृपा कीजे, अब किछ कृपा कीजे। हो दयाल दर्शन देओ अपना ऐसी बख्श करीजे, ऐसी बख्श करीजे। अब किछ कृपा जय, अब किछ कृपा कीजय, अब किछ कृपा कीजय, अब किछ कृपा कीजय। बहुत फेर पए किरपन को अब किछ कृपा कीजय। जपो सारे होते फेरे पए किरपन को अब किछ कृपा कीजय, होते फेरे पए किरपन को अब किछ कृपा कीजय। पनत नानक परम पट खोले गुर प्रसादी जानिया, गुर प्रसादी जानिया। साची लिवला की है भीतर, साची लिवला की है भीतर, सतगुर स्यो मन मानिया, सतगुर स्यो मन मानिया। पनत नानक परम पट खूले गुर प्रसादी जानिया, गुर प्रसादी जानिया। साची लिव लागी है भीतर, साची लिव लागी है भीतर, सतगुर स्यो मन मानिया, सतगुर स्यो मन। अब किछ कृपा कीजे, किछ कृपा कीजे, अब किछ कृपा कीजे सतगुरु जी, अब किछ कृपा कीजे। हाँ, बहुते फेरे
भय कृपन को अब किछ कृपा के जया बहुते फेर भय कृपन को अब किछ कृपा के जे बहुते फेर भय कृपन को अब किछ कृपा के जय सारी संगत किछ कृपा कीजे हाँ अब किछ कृपा कीजे कीजे अब किछ कृपा कीजे अब किछ कृपा कीजे हो अब किछ कृपा कीजे हाँ अब किछ कृपा कीजे सतगुरु जी अब किछ कृपा कीजे अब किछ कृपा कीजे अब किछ कृपा कीजे अब किछ कृपा कीजे बहुत फेरे पै कृपन को अब किछ कृपा कीजे बहुत फेर पै कृपन को अब किछ कृपा कीजे धन गुरु नानक तन बाबा नानक धन गुरु नानक तन बाबा नानक तन 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 गुरु नानक सारे तन गुरु नानक तन बाबा नानक 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 गुरु नानक तन बाबा नानक तन 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 बाबा नानक बहुत फेर सारी संगत पै कृपन को अब किछ कृपा कीजे कर कृपा बहुत अब किछ कृपा कीजे अब किछ कृपा कीजे अब किछ कृपा कीजे बहुत फेर पै कृपन को अब किछ कृपा कीजे सर जपो बहुते हो अब किछ कृपा कीजे हाँ अब किछ कृपा कीजे सारी संगत
प्यार विच भिज के आखो धन गुरु नानक। थोड़ी थोड़ी बीच में पंजाबी कहीं शब्द निकल जाए बता दूंगा। भिज मतलब भीग जाना, आखो मतलब बोलो, तो इतनी तो पंजाबी अलाउड है। प्यार विच भिज के आखो धन गुरु नानक, क्योंकि जब तक प्यार में नहीं भीगे तो फिर वो ऊपर ऊपर से ही कह रहे हैं, अंदर से नहीं बोल रहे। पर जिसने अंदर से अभी तक नहीं बोला उसके चरणों में बेनती, एक बारी फिर आपको धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सो ये तो भाई नदरे रहमत की बात है। हम गुरु साहब के चरणों में अरदास कर रहे हैं, बेनती कर रहे हैं, बहुते फेर पए किरपन को। पता नहीं कितनी जोनियां भटक के मैं आया, कितनी अरदासें करके आया, माँ के गर्भ में भी तड़पता रहा और जब बाहर आया तो फिर याद ही नहीं रहा कि नितनेम भी करना है, सिमरन भी करना है, अमृत वेला भी संभालना है। अब गलती तो हो गई, पर गजब की बात यह है कि गलती तो हो गई पर बख्शने वाला भी वही है। एक बारी प्यार से बोला धन गुरु नानक। वो गुरबाणी में आता ना, पिछले अवगुण बख्श ले, आता है ना आगे मारक पावे। तो इसमें सोचने वाली बात है कौन से अवगुण। अब ऐसे तो गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, पर नारी की सेज पे सुपने होना जइयो। अब मैं जबरदस्ती जा ही जाऊं और मैं गुरु साहब से बोलूं बख्श दो, तो गुरु साहब कहते पिछले अवगुण बख्श ले, तू जानबूझ के काज बिगाड़े हो, जानबूझ के तू काम बिगाड़ रहा है और मुझसे कहता है कि अवगुण बख्श लो। अवगुण वो जो पिछले किए हैं या जो अनजाने में होते हैं वो गुरु बख्श देता है। पर इसके साथ एक तराजू के एक पलड़े पे तो ये भी है, पर अगर मैं शराब पीता हूं, पर नारी की सेज पे जाता हूं, पराए धन को ठगता हूं, जिन सब की मनाई है गुरु ग्रंथ साहिब में, अगर मैं ये भी करता हूं, बख्शा तो नहीं जाऊंगा पर भगत बोधाराम जैसे महापुरुष का सिर पे हाथ हो तो गारंटी है बख्शा जाऊंगा। आखो जी धन गुरु नानक। महापुरुष का साथ बहुत जरूरी है। महापुरुष जब सिर पे हाथ रख देता है, आप जिसके दर पे बैठे हैं ना, जिसके नाम पर ये दर है, भगत बोधा, मैंने सही बोला है ना, भगत बोधाराम जी, तो उनके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, चाहे वो शरीर करके हमारे साथ नहीं है, पर संत सुजान सिंह जी महाराज, बाबा नंद सिंह जी के शिरोमणि कीर्तनी, जिनके बराबर कीर्तन करने वाला कहते हैं संसार में आज तक पैदा ही नहीं हुआ। संत सुजान सिंह जी महाराज कितने, कौन कहता है कि आशिक मर गए, कौन कहता है कि आशिक मर गए, अरे वो कैद से छूटे और अपने घर गए। महापुरुषों के पास एक प्रोग्राम होता है और वो प्रोग्राम इस धरती पे लेकर आते हैं। ये मेरे बच्चन नहीं है, महाराज जी करते हैं। संत सुजान सिंह जी महाराज जी कहते हैं महापुरुषों के पास एक प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम लेकर आते हैं, जब वो प्रोग्राम खत्म होता है कैद से छूट के अपने घर चले जाते हैं। एक बारी प्यार नाल आखो धन गुरु नानक, पूरी तरह भिज के श्रद्धा दे नाल आखो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सो हमने आज धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के चरणों में बेनती करनी है, गरीब निवाज, बहुते फेर पए किरपन को, अब किच कृपा कीजै, अब तो कृपा कर दे, नदरे रहमत कर दे। जो मौज में आ जाए तो कतरे से दरिया कर दिया, भाई साहब भाई नंदलाल जी गुरु गोबिंद सिंह जी के सच्चे आशिक कहते हैं, कलगीधर सच्चे पातशाह, जो मौज में आ जाए तो कतरे से दरिया कर दिया, तेरी नदरे रहमत जिस पर पड़ी तो बंदे से खुदा कर दिया।
सत श्री। तो हमारे तो बड़े भाग हैं कि दसों के दसों गुरु एक साथ बैठे। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, फिर कृपा क्यों नहीं होगी? अरदास करके तो देखो, होगी। किसी को जमाने की हुकूमत मिली है, किसी को जमाने की दौलत मिली है। कुर्बान जाऊं मैं अपने सदगुरु पर, मुझे तो तेरे दर की चौखट मिली है, मुझे तो तेरे दर की चौखट मिली है। मिली होगी किसी को दौलत, मुझे तो नाम का धन मिला है संतों महापुरुषों की संगत करके। और अब तो कृपा होगी, होगी होगी और ज़रूर होगी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम अरदास कैसे करते हैं। आओ आज मन करके गुरु साहब के चरणों में बेनती कर दें। सच्चे पातशाह बहुते फेर पए कृपन को, बहुत चक्कर लग गए, बड़ी जूनियां भटक गया, अब तो कृपा कर दे, अब किच कृपा कीजे। कोई भी रसना वाजी ना रहे, कोई भी जीभ कोई भी जिह्वा खाली ना रहे। कहीं अजान होता है, कहीं मंदिरों की घंटियां बज रही हैं, कई आरतियां हो रही हैं, कहीं गुरुद्वारे में कीर्तन हो रहा है, कहीं चर्च में से आवाज़ आ रही है प्रेयर की। गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह कहते हैं, शब्द तो बहुत लंबा है, मुझे पूरा अभी याद नहीं आ रहा, बहुत लंबा शब्द है, उसकी मैं सिर्फ एक सार आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु, कितनी जगह से मुझे आवाज़ें आती हैं, कई आरतियों की, कई घंटियों की, कई हरे राम कृष्णा हरे हरे, कई मस्जिद में से नमाज की आवाज़ आती है, कई गुरुद्वारे में से कीर्तन होता है, मेरे दो कान काफ़ी नहीं है सच्चे पातशाह, कृपा कर मुझे करोड़ों कान दे दे, मुझे करोड़ों कान दे दे। तेरा दर इतना ऊंचा है, मेरे ये दो हाथ सेवा के लिए काफ़ी नहीं है, मुझे करोड़ों हाथ दे दे। क्यों? क्योंकि सदगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। अब विचार तो ये बहुत लंबी है, उस साइड नहीं जाना, जो मुख अरदास करनी है, बहुते फेर पए कृपन को, अब किच कृपा कीजिए। करो कृपा सारे जपो जी, एक वारी प्यार ना लाखो धन गुरु नानक। बहुते फेर पए कृपन को, बहुते फेर पए कृपन को, अब किच कृपा कीजै। बहुते फेर पए कृपन को, अब किच कृपा कीजै। अब किच कृपा कीजै, हाँ किछ कृपा कीजै कीजै। अब किछ कृपा कीजै, हाँ। बहुते फेरे पए कृपन को, बहुते फेरे पए कृपन को, अब किछ कृपा कीजै। सारी संगत कृपन को, अब किछ कृपा कीजै। अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै, अब किछ कृपा कीजै। अब किछ कृपा कीजै, 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 अब किछ कृपा कीजै। बहुते फेरे पए कृपन को, अब किछ कृपा कीजै। बहुते फेरे पए कृपन को, अब किछ कृपा कीजै, ओ अब
आपकी कृपा की जय, आपकी कृपा की जय, आपकी कृपा की जय। वाहे गुरु। प्यारी सात संगत जी, अपने गुरु के प्यार में बोलो धन गुरु नानक। जिन महापुरुषों के स्थान पर आप बैठे हैं, उस महापुरुष के प्यार में सारे बोलो धन गुरु नानक। जिस गुरु के आगे अरदास कर रहे हैं, उस गुरु के प्यार में बोलो धन गुरु नानक। अभी भाई साहब भाई नंदलाल जी का जिक्र हुआ था, तो एक छोटा सा प्रसंग, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है। अब विचार आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, दूसरे स्थान में भी पवित्र स्थान में कीर्तन की सेवा महाराज जी ने लेनी है। अव्वल तो ये विचार चलते जाएं तो दो ढाई घंटे तो अभी यहीं चाहिए, पर सब जगह ध्यान रखना है, इसलिए 5-10 मिनट जितना भी गागर में सागर, गुरु साहब कृपा करें तो गागर में सागर भर सकते हैं। ठीक है जी, 10 मिनट कोई बात नहीं। तो जिस बख्शिश की बात, जिस नदरे रहमत की बात गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह कहते हैं, अगर ये समझ में ना आती हो तो इसको एक एग्जांपल से, एक उदाहरण से समझ सकते हैं। भाई साहब भाई नंदलाल जी, जिन पर गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जी की खास कृपा थी, उनको कहते हैं कलगीधर सच्चे पातशाह के सच्चे आशिक। एक बार गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह भाई साहब नंदलाल जी से कहते हैं, नंदलाल आज कुछ मांग ले, आज मैं बड़ा खुश हूं, आज कुछ मांग ले और जल्दी कर, छेती कर, कहीं देर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तेरी मांग बड़ी हो और मैं कुछ छोटा दे दूं, तू कुछ और मांगे और मैं कुछ और दे दूं, आज मैं बड़ा खुश हूं, आज कुछ मांग ले पर जल्दी मांग। भाई साहब नंदलाल जी कहते हैं हद हो गई कलगीधर सच्चे पातशाह, हद हो गई, जब मैं आपके दर पे आया था तो निरी मांगों से भरा हुआ था, तो जो मैं वो खोल के देखूं तो लंबी लिस्ट, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, दुनिया की सारी चीज़ें चाहिए, लंबी लिस्ट जो ख़त्म ही ना हो। और आज जब मेरा हृदय मांग से ख़त्म हो चुका है, मांग रहित हो गया है, अमंग हो गया है, कोई मांग ही नहीं, कोई मांग ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, और आज आप कहते हैं नंदलाल जल्दी कर कुछ मांग ले, कमाल है, कौन जाने तेरिया रमजानू। वो कहते हैं ना, तू जाने महाराज तेरिया तू जाने। अब एक पंक्ति आ गई है तो मैं सोच रहा हूँ उसको पढ़ लूँ, क्योंकि फिर वो माहौल बन जाएगा कि घट घट के अंतर की जानत पले बुरे की। तू जाने महाराज तेरिया तू जाने महाराज तेरिया तू जाने। तू जाने महाराज तेरिया तू जाने। जाने महाराज तेरिया तू जाने। तू जाने महाराज तेरिया तू जाने। हाँ तू जाने महाराज तेरिया तू जाने। महाराज तेरिया तू जाने। तू जाने तू जाने महाराज तेरिया तू जाने। बिन बोले या सब किछ जानदा, बिन बोले या सब किछ जानदा, बोले या सब किछ जानदा, बिन बोले या सब किछ जानदा।
किस आगे कीजे हरदास, किस आगे कीजे अरदास, अरदास तू जाने, तू जाने महाराज तेरिया, तू जाने, तू जाने, तू जाने महाराज तेरिया, तू जाने अंतर की बिद तुम ही जाड़ी, अंतर की बिद तुम ही जाड़ी, तुम ही सजन सुहेले, तुम ही सजन सुहेले, सर्व सुखा में तुझते पाए, सर्व सुखा में तुझते पाए, मेरे ठाकुर आगे है अतोले, मेरे ठाकुर आगे है अतोले, तू जाने महाराज तेरिया, तू जाने, तू जाने, तू जाने महाराज तेरिया, तू जाने, तू जाने महाराज तेरिया, तू जाने, ओ तू जाने, तू जाने महाराज तेरिया, तू जाने, तू जाने, तू जाने महाराज तेरिया, तू जाने, तू जाने, तू जाने महाराज तेरिया, तू जाने, जाने, तू जाने महाराज तेरिया, तू जाने, सो कौन जाने तेरिया रमजानू कल किधर सच्चे पातशाह, कौन जाने तेरी वडियाइयों को, तेरे बड़प्पन को, पहले जब हृदय मांगों से भरा हुआ था तब आज तक पूछा नहीं, और जब खाली हो गया तो आप कह रहे हो कुछ मांग ले, समझ नहीं आया। अब भगत की वडियाई को दिखाना भी तो है, जब तक दिखाएंगे नहीं संगत को पता कैसे लगेगा। तो उस वक्त कलगीधर सच्चे पातशाह कहते हैं नंदलाल कुछ मांग ले, तो नंदलाल जी कहते हैं कि मेरा हृदय मांग से रहित है, तो कलगीधर सच्चे पातशाह कहते हैं नंदलाल फिर ऐसा कर मेरी खुशी के लिए ही मांग ले, तू ये सोच के मांग ले कि आज मांगेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। तो नंदलाल जी कहते हैं सच्चे पातशाह अगर ऐसी बात है तो मुझे कुछ समय दो, मैं हृदय टटोल के देखूं कुछ है भी कि नहीं। तो कलगीधर सच्चे पातशाह हुक्म करते हैं भाई ठीक है अपना हृदय टटोल ले। भाई साहब भाई नंदलाल जी जो हृदय की गहराइयों तक झांक के देखते हैं शायद किसी कोने में कोई मांग पड़ी हुई हो, वैसे तो खाली हो चुका था, कोई मांग पड़ी हुई हो तो फिर अचानक एक मांग निकली और कहने लगे कलगीधर सच्चे पातशाह बस एक ही मांग है, और कौन सी मांग है, जल्दी मांग। तो जिनके पास मोबाइल है वो अपने मोबाइल में अमृत कीर्तन में सर्च करके देख सकते हैं अंग नंबर 797, आप पढ़ के देख लेना, अंग नंबर 797 पर कलगीधर सच्चे पातशाह के प्यार में भाई साहब भाई नंदलाल जी क्या मांगते हैं, शब्द तो वो लंबा है, आखिरली दो पंक्तियों में उनकी मांग नज़र आती है। भाई साहब नंदलाल जी कहते हैं कलगीधर सच्चे पातशाह शब्द कुर्बान खा के राहे संगत, जब हृदय टटोल के देखते हैं तो क्या निकलता है किसी कोने में, कहते हैं कलगीधर सच्चे पातशाह शब्द कुर्बान खा के राहे संगत दिले गोया हमी बस आरजू करद। इसका कहने का भाव है कलगीधर सच्चे पातशाह अब कोई आरजू
कोई इच्छा मेरे दिल में नहीं है, है तो बस यही शब्द कुर्बान खा के राहे संगत तेरे दर पे, तेरे दर पे चल के अमृत वेले जो आकर जपते हैं श्री वाहे गुरु, उन रूहों की, उन बख्शी हुई रूहों की, उन भक्तों की चरणों की धूल तू मुझे बना दे, उनके चरणों की धूल तू मुझे बना दे। खाक मतलब खाके राहे, राह में चलने वाले जो चरण हैं उन चरणों की खाक मतलब धूल मिट्टी। तो शब्द कुर्बान खाके राहे संगत दिले गोया हमी बस आरजू करत, पर ये वही मांग सकते हैं जिनके हृदय में प्यार है, जिनको कृपा चाहिए, दुनियावी चीज़ें नहीं चाहिए। दुनियावी चीज़ गुरु साहब से मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक कृपा हो गई, एक नदर रहमत हो गई तो बाकी सारी चीज़ें उसके अंदर अपने आप आ जाएंगी। इसीलिए बाबा नंद सिंह जी महाराज बेनती करते थे कि जब भी गुरु साहब से अरदास करो सबसे पहले एक ही चीज़ मांगो, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह, धन गुरु नानक सच्चे पातशाह, होर कुछ चाहे तू दे या ना दे, आज झोली फैला के मांगता हूँ मुझे अमृत वेला दे दे। आपको जी धन गुरु नानक, क्योंकि जिसने अमृत वेला संभाला है, जिसने अमृत वेला संभाला है उसे सब कुछ मिल गया। क्यों? क्योंकि जिसका जिसका सुबह संभल गया उसका दिन संभल गया, जिसका दिन संभल गई रात संभल गई, जिसकी रात संभल गई उसको अमृत वेला मिल गया, और जिसको अमृत वेला मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। प्यार से बोलना जी धन गुरु नानक, एक बारी गुरु के प्यार में फिर बोलो जी धन गुरु नानक। तो आज गुरु साहब के चरणों में बेनती करनी है, सच्चे पातशाह तेरे दर पे आया हूँ अब किछ कृपा कीजिए। एक छोटा सा प्रसंग और, 9:20 तक का समय है, ये दो पंक्तियाँ फिर गुरु महाराज के चरणों में अरदास करते हैं। जो प्रकरण चल रहा है इस वक्त वो ये है कि गुरु साहब के चरणों में आके सिर्फ कृपा मांगनी है। आओ जी मांगो सारे। बहुते फेर पै किरपन को अब किछ कृपा कीजिए, बहुते फेरे पै किरपन को अब किछ कृपा कीजिए, अब किछ कृपा कीजिए, अब किछ कृपा कीजिए कीजिए, अब किछ कृपा कीजिए। हाँ बहुते फेरे पै किरपन को अब किछ कृपा कीजिए, सारी संगत मांग लो। बहुते फेरे पै किरपन को अब किछ कृपा कीजिए, बहुते फेरे पै किरपन को अब किछ कृपा कीजिए कीजिए कीजिए। एक चौधरी शमीर हुआ है इतिहास में। अब क्योंकि साखी गुरु गोविंद सिंह जी की सुनाई थी तो अगले प्रकरण में भी, प्रसंग में भी उन्हीं की साखी सुनते हैं, फिर कीर्तन का जो एक भाव है वो समझ आ जाता है। चौधरी शमीर कलगीधर सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के दर पर रोज दूध की सेवा करता था। उसने गिलास में गरम गरम दूध ले जाना और कलगीधर सच्चे पातशाह के चरणों में हाजिर करना, सच्चे पातशाह मेरे बड़े भाग होंगे अगर आप इस दूध को छकेंगे पिएंगे। कलगीधर सच्चे पातशाह ने रोज वो दूध पीना। सोचो कितने भाग हैं आज खुल गए चौधरी शमीर के, कि उसके हाथों से तैयार किया गया दूध
गरम दूध जो वो गिलास में लाता था और कलगीधर सच्चे पातशाह पी रहे हैं, वो दूध नहीं पी रहे, वो उसकी तकलीफें पी रहे हैं, वो उसके दुख पी रहे हैं। वो दूध तो हमें दिख रहा है, कलगीधर सच्चे पातशाह क्या पी रहे हैं तू जाने महाराज, तेरियां तू जाने, वो हमें नहीं पता। पर प्यार की वो आँख मिले, वो नज़र मिले, तो उस तकलीफों को पी रहे हैं। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख, और भावना का झोल, भावना की झोली जितनी बड़ी होगी वो दाद भी उतनी बड़ी होगी। और वो दर है ही ऐसा, दुख गुरु के चरणों में रख दो दुख, और सुख जो है वो गुरु से ले जाओ। तो चौधरी शमीर रोज सेवा करता था दूध की। एक दिन सेवा करते करते जब काफ़ी समय बीत गया, अब चौधरी शमीर आज फिर दूध लेके आया है, अब हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कलगीधर सच्चे पातशाह रसना से अपनी जीभ से दूध लगा रहे हैं, पी रहे हैं। पीते 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 जब वो दूध ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, गुरु साहब ने वो दूध रख दिया। अब वो बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा है, कुछ पूछना चाहता था पर हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा था गुरु साहब बोले कुछ पूछना है तो फिर मैं पूछने की हिम्मत करूं। पर कलगीधर सच्चे पातशाह विण बोलिया सब किच जानदा, किस आगे कीचे अरदास। पर क्योंकि संगत को भी दिखाना है, इस करके कहते हैं शमीर कुछ पूछना है क्या, कुछ पूछना है तो पूछ, तेरे चेहरे पे सवाल नजर आ रहे हैं। तो चौधरी शमीर कहता है कलगीधर सच्चे पातशाह गरीब निवाज, रहमतों के सागर मेरों के साई, बस एक ही इच्छा है, क्या मेरा जन्म मरण काट दो, मेरा जन्म मरण काट दो, बंधन काट दो। कलगीधर सच्चे पातशाह कुछ बोले ही नहीं। अब चौधरी शमीर कहता है मैंने दो बार बोला है और गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह सुनते ही नहीं, पर कौन समझाए कि बस वही तो सुनता है बाकी कोई नहीं सुनता, एक वही सुनता है बाकी कोई नहीं सुनता। पर क्योंकि कलजुगी बुद्धि है, नहीं समझ में आया, शायद सुना नहीं, दोबारा बोल दूं। कलगीधर सच्चे पातशाह मेरा जन्म मरण काट दो, तीन चार बारी जब बोला तो कलगीधर सच्चे पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे, कहते हैं शमीर कल आना, कल बात करेंगे। शमीर कहता है हद हो गई, इतने साल हो गए सेवा करते करते, इनके लिए कौन सी बड़ी बात है, अगर बोल दिया जन्म मरण काट दो इन्होंने तो सिर पे हाथ रखना है और सब कट जाना है। और कलगीधर सच्चे पातशाह कहते हैं कल आना, कल बात करेंगे, हद है। खैर वो सतवचन कह के चला गया। अगले दिन फिर वो उसी तरीके से नियम अनुसार बिना नागा वो दूध फिर लेकर आया, कलगीधर सच्चे पातशाह के चरणों में हाजिर किया। सच्चे पातशाह दूध पी के और गिलास रख दिया, फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अब कुछ पूछेंगे, कुछ पूछेंगे। कलगीधर सच्चे पातशाह के अंदर शमीर आज फिर कुछ पूछना है क्या। तो चौधरी शमीर के अंदर सच्चे पातशाह मैंने आपसे कल एक विनती की थी, मेरा जन्म मरण काट दो। कलगीधर सच्चे पातशाह हंसने लगे, शमीर तेरा काम रात को हो गया है, तेरा काम तो रात को कर दिया है, फिर तू वही काम मुझे करने के लिए कह रहा है। शमीर हैरान, कहते हैं रात को कैसे काम कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं। तो साहब कहने लगे शमीर रात को कोई सपना आया कि नहीं। तो शमीर कहते हैं हाँ सच्चे पातशाह सपना तो आया था। अच्छा क्या देखा सपने में, खुद ही सपना भी दिखा रहे हैं लेकिन संगत को भी बताना है, तो उसके मुंह से ओगलवाना था, निकलवाना था, क्या देखा कल रात सपने में। तो चौधरी शमीर कहता है कलगीधर सच्चे पातशाह रात सपना इतना भयानक और इतना गंदा सपना देखा, सच्चे पातशाह मैं बड़ी गंदी गंदी जोनियों में भटक रहा हूँ, कभी तो मैं कुत्ता बन जाता हूँ, कभी मैं कोई कीड़ा मकोड़ा बन जाता हूँ, कभी कोई और भेड़ा बुरा जानवर बन जाता हूँ,
और वो सपना देखते 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 नींद ऐसी गहरी हो गई, फिर अचानक एक बर्तन गिरा रसोई में, मेरी नींद खुल गई। फिर सोचा, अरे ये तो सपना था। अच्छा फिर क्या हुआ सच्चे पातशाह? फिर आंख लगी, फिर सपना देखा, फिर क्या देखा? कहने लगा, कलगीधर सच्चे पातशाह, फिर वही सपना आगे, फिर मैं गंदी जोनियों में भटक रहा हूँ, कभी कुत्ता बनता हूँ, कभी कोई और जानवर बनता हूँ, कभी कीड़ा मकोड़ा बनता हूँ, कभी नाली के पानी में भटक रहा हूँ। ऐसी गंदी जोनियों में मैं भटक रहा हूँ कलगीधर सच्चे पातशाह, ऐसा सपना सारी जिंदगी बीत गई आज तक नहीं देखा। तो कलगीधर सच्चे पातशाह कहने लगे, ओए शमीर तेरी सेवा परवान हो गई। गुरु नानक के घर में जो रोज तूने दूध की सेवा की है, कलगीधर सच्चे पातशाह कहने लगे, शमीर सदगुरु की सेवा सफल है, जेको करे चित लाए। इस तेरी सेवा के सदके जो जोनिया तूने असलियत में वाकई में भोगनी सी, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अज कृपा कर दी, बहुते फेर पए कृपन को, अब किच कृपा की जय। कलगीधर सच्चे पातशाह कहते हैं, तेरी सेवा परवान हो गई, वो दूध को भाग लग गए, वो सेवा को भाग लग गए, जो जोनिया तूने असल में भोगनी थी वो तेरी एक ही रात में सपने में कट गई। तो वो चाहे तो कृपा सपने में भी कर सकता है, वो चाहे तो कृपा सपने में भी कर सकता है, वो चाहे तो बंधन सपने में भी काट सकता है। सिर्फ विश्वास की, उस श्रद्धा भावना की जरूरत है, और इसी भावना विश्वास के साथ आज हमें धन गुरु नानक सच्चे पातशाह, धन कलगीधर सच्चे पातशाह के चरणों में बेनती करनी है, दसों पातशाहियों की ज्योत के चरणों में बेनती करनी है। सच्चे पातशाह, जैसी कृपा चौधरी शमीर पर की है, ऐसी कृपा मेरे ऊपर भी करो, बहुते फेर पए कृपन को, अब किच कृपा कीजिए। सो आओ ये फिर अंतिम तुकें और फिर कीर्तन की समाप्ति है, करो कृपा जी। आप मुझे टाइम इसी पावन पवित्र दर पे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने दास के सिर पे हाथ रख के सेवा लेनी है। सुबह 5:30 बजे से 6 बजे तक नाम सिमरन, और फिर 6 से 7 कथा कीर्तन विचार। सो सारी संगत के चरणों में बेनती है, अपना अमोलक समा ज़रूर निकालें, और ये जो सत्संग की घड़ियां हैं ये जब भी मिलें जिधर भी मिलें अपना जीवन ज़रूर सफल करें। जितनी भी संगत यहाँ पे, मेरी बहनें, माताएं, वीर, बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी बैठे हैं, सबके चरणों में हाथ जोड़ के बेनती है, कल 5:30 सुबह अमृत वेले 5:30 से 6 बजे तक नाम सिमरन जो कि गाकर होगा साज के साथ, और फिर 6 से 7 एक घंटा कथा कीर्तन विचार। सो ये बेनती परवान करनी। आओ आज गुरु साहब के चरणों में बेनती करते हैं, करो कृपा, कोई भी रसना खाली न रहे। बहुते फेर पए कृपन को, अब किच कृपा कीजे। बहुते फेर अब किच कृपा कीजे, 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 अब किच कृपा कीजे। बहुते फेरे पए कृपन को, अब किच कृपा कीजे।
ਲਿਆ ਸਈਓ ਨੀ ਰੱਬ ਪਾਲਿਆ, ਪਾਲਿਆ ਸਈਓ ਨੀ ਰੱਬ ਪਾਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਪਾਲਿਆ, ਪਾਲਿਆ ਸਈਓ ਨੀ ਰੱਬ ਪਾਲਿਆ, ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਪਾਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਪਾਲਿਆ, ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਬਚਨ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਯਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਹੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਪਾਲਿਆ, ਸਈਓ ਨੀ ਰੱਬ ਪਾਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਪਾਲਿਆ, ਪਾਲਿਆ ਸਈਓ ਨੀ ਰੱਬ ਪਾਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਪਾਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਪਾਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਪਾਲਿਆ, ਪਾਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।